The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap dosto, adab aur aap sabko Ramzan ki bahut bahut mubarakbad. Dosto, aaj hum bahut important topic pe baat karenge. Aaj baat karenge ki aap agar koi bhi kisi bhi prakar ki dawa lete hain तो दवाओं को कैसे मैनेज करना है इस महीने रमज़ान के महीने में जब आप फास्टिंग कर रहे हैं. और ये बहुत ज़रूरी है सारे उन पेशेंट्स के लिए जो क्रोनिक डिज़ीज़ या एक्यूट डिज़ीज़ के लिए दवाएं ले रहे हैं जिनको ज़रूरत है, राइट. इसके लिए डॉक्टर्स को भी नॉलेज होनी चाहिए, जिनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डॉक्टर्स को और केमिस्ट फार्मासिस्ट को भी दवाओं के बारे में और पेशेंट की बीमारियों के बारे में. जो लोग क्रोनिक दवा लेते हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड या किसी प्रकार की दूसरी बीमारी, पेश दिमाग वाली बीमारियों के लिए या लॉन्ग टर्म क्रोनिक बीमारी के लिए, उनके लिए सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि सेफ्टी फर्स्ट. क्या सेफ्टी अचीव, क्या पूरा महीना फास्टिंग करना उनके लिए सेफ है या नहीं, ये असेसमेंट एक प्री रमदान हेल्थ चेकअप से हो जाएगा जो वो डॉक्टर के पास जाके करा सकते हैं कि उनका जो भी चीज़ चल रही है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड कितने कंट्रोल में है, कितना उनका कंट्रोल सही है या नहीं. सेकंड स्टेप ये होता है कि उनकी जो मेडिसिन का शेड्यूल है, जो शेड्यूल है कि टाइमिंग है, उसको चेंज करें, राइट. जो लोग दवा दिन में एक दो तीन बार ले रहे, चार बार, मल्टीपल बार ले रहे हैं, उनकी दवाओं को हम नंबर वन तो लॉन्ग एक्टिंग फॉर्मुलेशंस में चेंज करें. अगर तीन बार ले रहे हैं तो दो बार लॉन्ग एक्टिंग वाला, सस्टेन रिलीज वाला, एक्सटेंडेड रिलीज वाला प्रिपरेशन उनको दें ताकि वो दो ही बार लें या एक ही बार लें और उनका काम हो जाए. और ये एक ही बार या दो ही बार लेने वाली जो दवाएं, जो लोग ऑलरेडी एक या दो बार ही ले रहे हैं, मसलन जैसे थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं सुबह सुबह ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं सुबह ले रहे हैं या सिर्फ सुबह शाम ले रहे हैं या शाम ले रहे हैं, तो ये सारी मेडिसिन जो एक टाइम लेते हैं या दो टाइम लेते हैं, ये इफ्तार के बाद और सहरी से पहले लें. तो जैसे थायराइड की मेडिसिन भी ये सहरी से पहले ले सकते हैं, सुबह सुबह 3 बजे ले सकते हैं, 3:30 बजे वो फिर अपना आधे घंटे के बाद कुछ खा सकते हैं. और इवन मेडिसिंस के लिए प्रॉब्लम होता है कि मेडिसिन डायरेक्टली आधे उसके साथ ना खाएं, थायराइड की मेडिसिन के साथ दूसरी मेडिसिन आप थायराइड अकेले लें, फिर आधे घंटे बाद कुछ खा लें और साथ में चाहें आप दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं. सो इस तरह से आप अपना मेडिसिन को सुबह और शाम में डिवाइड कर सकते हैं, सेफली ले सकते हैं. उसके लिए अपने डॉक्टर की मदद लें कि आपकी जो मेडिसिन है वो सस्टेन रिलीज लंबी काम करती है या नहीं, नहीं तो आप उसके जैसी दूसरी लंबी काम करने वाली जो लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है उसके साथ चेंज कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसी रिजीम जिसमें डोज और जिसमें डोसेज या एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन अवेलेबल है या जो सुबह ले सकते हैं, ऐसे सब ऑलमोस्ट हर बीमारी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो पार्किंसंस डिजीज, थायराइड हो, हार्ट डिजीज़ हो या शुगर डायबिटीज़ हो या फिर ब्लड प्रेशर हो, राइट. सो अगर इसके अलावा भी किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, दर्द चोट लग जाती है और उसे दर्द की दवा या एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एंटीबायोटिक्स और दर्द की दवा भी ऐसे फॉर्म में ऐसे लॉन्ग टर्म या लॉन्ग एक्टिंग फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है जिसमें कि उन्हें दिन में एक ही बार या दो बार लेना पड़े और काम हो जाए. वो भी वैसी ही लेंगे फिर आप सनसेट के बाद यानी सूरज डूबने के बाद, इफ्तार के बाद और सहरी से पहले, राइट. कुछ प्रकार की मेडिकेशन जैसे कि इंजेक्शंस इन और इन्हेलेशन, सपोजिटरीज, ईयर ड्रॉप्स, ऐसी चीज़ें कई लोग कहते हैं नहीं अलाउड है. सो ये चीज़ पेशेंट से डिस्कस करने के बाद ही आप चूज़ करेंगे वट एवर इट इज़ देयर, राइट. अगर वो अलाउ है नहीं अलाउड है उसको कंफर्म करने के बाद, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो रूल्स आपको याद रखने हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, राइट. दूसरा एडजस्ट टाइम ऑफ मेडिसिन, टाइम अगर एडजस्ट हो जाए कि रात को और सुबह सुबह ले लें, नहीं तो फिर टाइप ऑफ मेडिसिन आप चेंज करें, लॉन्ग एक्टिंग पे चले जाएं, राइट. उस तरह से हो जाता है काम, राइट. और बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट को बीमारी के बारे में एजुकेट करना कि उसके इस दौरान क्या रिस्क हो सकते. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर पेशेंट को माइग्रेन है तो माइग्रेन वाले पेशेंट, हेडेक वाले पेशेंट्स को बहुत बहुत ज़रूरी है एजुकेट करना और उनको
खुद को पेशेंट को ज़रूरी है कि वो अपने माइग्रेन के जो ट्रिगर्स हैं राइट उसको अवॉइड करें, जितना हो सके अवॉइड करें राइट। और बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए कि उनको सहरी खाना, क्योंकि वो शुरू में ब्रेकफास्ट ज़रूर 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 खाएं, और पूरे दिन में उनका इम्पॉर्टेंट है कि वो हाइड्रेटेड रहें। उसके लिए इफ्तार के बाद सहरी तक अच्छी मात्रा में, सही मात्रा में अच्छा पानी पीना, कम नमक और कम शक्कर वाले खाना खाने हैं ताकि वो लंबा चले। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट, इवन माइग्रेन पेशेंट्स के लिए। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को एजुकेट करना ज़रूरी है कि अगर उनको डिहाइड्रेशन हुआ, अगर उनका पानी की कमी हुई तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तब उनको क्या साइन आएंगे, चक्कर आएगा, हाइपोटेंशन के, ब्लड प्रेशर कम हो जाने के साइन, चक्कर आना, सर हल्का भारी लगना, लाइट हेडनेस लगना, ये सब चीज़ें हो सकती है राइट। और दवा नहीं खाने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीपी की दवा नहीं खाएंगे, 4 दिन 5 दिन 6 दिन कुछ नहीं होगा, 7वें दिन थोड़े दिनों के बाद एकदम बीपी शूट अप करेगा बहुत लंबे, क्योंकि असर थोड़े दिन लंबा चलता है, हर एक दवा का एकदम ख़त्म नहीं होता। पहले एक हाफ़ लाइफ होता है, हाफ़ लाइफ का मतलब है जैसे अगर 12 घंटे का हाफ़ लाइफ है तो 12 घंटे के बाद उसका इफेक्ट हाफ़ होगा, फिर और 12 घंटे के बाद हाफ़ का हाफ़ होगा, फिर और 12 घंटे के बाद हाफ़ के हाफ़ का हाफ़ होगा, तो स्लोली टेपर ऑफ होता है, फिर दूसरी मेडिसिन उसके ऊपर ओवरलैप करती है, ओवरलैप करती है जब आप 12 घंटे बाद ले लेते हो। सो इसीलिए जो भी दवा बंद करते हो उसका फुल इफेक्ट जाने को थोड़ा टाइम लगता है, अलग अलग दवा का अलग अलग हाफ लाइफ है, इसीलिए आपको समझना होता है कि एकदम इफेक्ट नहीं दिखता कि एक दिन एक डोज मिस कर दिया तो, लेकिन ये बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए दवा का रेगुलर डोसेज जरूरी होती है। अगर वही दवा आप सुबह सुबह लेते हैं तो सुबह की जगह आप उसे सहरी से पहले लें, सहरी या सुरूर के साथ बेसिकली साथ ले सकते हैं, और रात को लेते हैं, शाम को लेते हैं तो शाम को ले ही सकते हैं आप खाना खाने के बाद राइट। सेम चीज़ अप्लाई होती है डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ एक बहुत चैलेंजिंग कंडीशन है जिसको रमज़ान के दौरान मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कर सकते हैं। बस उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्लोज मॉनिटरिंग, आपकी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। आप सुबह शाम दोनों टाइम ब्लड शुगर मॉनिटर करें अगर आपको डायबिटीज़ हैं, और इफ्तार के बाद और सहरी से पहले ऐसे भी कर सकते हैं। ज़्यादातर ये समझना ज़रूरी है कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ के ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स ये रखते हैं, रमज़ान रखते हैं और फास्ट रखते हैं, और टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स ऑल्दो जिनको रेकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि उनको इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, उनमें भी आधे तर पेशेंट 43% तक पेशेंट्स फास्ट रखते हैं। एक सिस्टमेटिक रिव्यू में, एक क्लिनिकल स्टडीज़ में ये पाया गया था कि ये पॉसिबल है कि इंसुलिन डिपेंडेंट पर्सन भी फास्ट रखे, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिस्क है। रिस्क किस चीज़ का है? हाइपोग्लाइसीमिया का, शुगर लो हो जाने का रिस्क है, या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाने का रिस्क है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बहुत ज़्यादा शुगर हो जाने से होती है, हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा शुगर लो हो जाने से होती है राइट। तो इसीलिए उनकी भी दवाएँ का एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म से बहुत ज़रूरी है, उनकी दवाओं के साथ उनको एजुकेट करना कि किस प्रकार का खाना वो खाएँ और किस प्रकार का ना खाएँ, क्योंकि डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, जहाँ पे अगर हाई ग्लाइसेमिक फूड या फास्ट एब्जॉर्बिंग फूड वो खाएंगे तो उनकी शुगर बिगड़ सकती है। स्लो एब्जॉर्बिंग फूड बहुत ज़रूरी अच्छी चीज़ होती है। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जो हर एक हमारे मुस्लिम पेशेंट्स, मुस्लिम भाई लोग को मदद करेगी। और साथ ही जिनको डायबिटीज़ टाइप 2 है उनके आगे के ट्रीटमेंट के लिए इट्स गुड, बिकॉज उनका वज़न कम हो सकता है, उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल, शुगर कंट्रोल बेटर हो सकता है, और वो इवन कॉम्प्लिकेशन अवॉइड कर सकते अगर वो सही गाइडेंस के अंदर, सही डॉक्टर की निगरानी में ये रमज़ान करें राइट। इस पर्टिकुलर टॉपिक डायबिटीज़ ड्यूरिंग रमज़ान पे हम एक डिफरेंट डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम डॉक्टर्स को भी बताएंगे कि डायबिटीज़ पेशेंट को कैटेगरीज में कैसे डाला जाता है और फिर उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है। फार्मासिस्ट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस महीने, क्योंकि फार्मासिस्ट के पास लोग दवा लेने आते हैं और कई लोग डायरेक्ट फार्मासिस्ट से दवा लेते हैं, और उसके लिए फार्मासिस्ट को ये समझना ज़रूरी है कि उनको एजुकेट करें कि अगर आप रेगुलर क्रोनिक दवा लेते हैं उसे बंद ना करें, डॉक्टर के पास जाके ये ऑप्शंस हैं लॉन्ग एक्टिंग सस्टेन रिलीज मेडिसिन का, और अगर कोई मेडिसिन ले भी रहे हैं तो उनके देने वाली दवाई का
उन्होंने लॉन्ग एक्टिंग फॉर्मुलेशंस देना। तो इसमें सबका रोल है, मेडिकल फ्रेटर्निटी का, मेडिकल डॉक्टर्स का, नर्सेस का, फार्मासिस्ट का, इन सब का रोल है एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इवन हम देखेंगे कई सारे जो मुस्लिम पेशेंट्स हैं, उन सारे मुस्लिम पेशेंट्स रमज़ान के टाइम पे कई लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि कैसे खुद को सेफ रखना है, खुद की बीमारी को सपोर्ट करना है। सो इस प्रॉब्लम है उसको आप समझिए और रमज़ान के महीने को उस बीमारी के साथ, बीमारी को रमज़ान के महीने में मैनेज करना सीखिए अपने डॉक्टर से मिलके, और इन छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करके सेफ्टी फर्स्ट, पहले दवा का टाइम बदलने की कोशिश करिए, नहीं तो दवा बदलने की कोशिश करिए, ये दोनों काम अपने डॉक्टर से बात करके करिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेफ रहिए, रेगुलर मॉनिटर करिए। सो दोस्तों, ये हुई बात कैसे लेनी है अपनी दवाएं रमज़ान के दौरान। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और सभी मुस्लिम भाइयों को हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह आप पे मेहरबान रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।